भोजपुरी के सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह के साथ कई बार ऐसा हुआ है कि एक फिल्म किसी नए डायरेक्टर ने बना ली तो फिर लगातार उस डायरेक्टर ने पवन सिंह के साथ ही काम किया। इन डायरेक्टरों में कई डायरेक्टर्स का नाम शामिल हो सकता है, लेकिन पहला नाम सुजीत कुमार सिंह का ही आता है, जिन्होंने 3 साल पहले इंडस्ट्री में पवन सिंह के साथ ही एंट्री की और अभी तक वो पवन सिंह के साथ ही सारी फिल्में बनाते जा रहे हैं। पवन सिंह के साथ उनकी सबसे हिट फिल्म सत्या मानी जाती है और यही कारण है कि सत्या के जबरदस्त हिट होने के बाद लगातार पवन के साथ सुजीत कुमार ने फिल्म बनाना शुरू कर दिया। हाल ही में सुजीत कुमार सिंह ने पवन सिंह के साथ एक फिल्म बनाई जिसका नाम है क्रैक फाइटर। फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है। कई महीनों से इस फिल्म की शूटिंग अलग अलग लोकेशंस पर बड़े बड़े सितारों के साथ की गई, बड़े बड़े तकनीशियनों के साथ की गई। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस फिल्म को इंडस्ट्री की सबसे महंगी फिल्म बताया जा रहा है। क्यों इस फिल्म को महंगी फिल्म का टैग मिला ये आप जानते हैं? नहीं जानते तो चलिए हम बता देते हैं। दरअसल ये पूरी फिल्म 5 से 7 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुई है, जबकि अभी तक भोजपुरी इंडस्ट्री के से ज्यादा बजट 2 या 3 करोड़ रुपए ही माने जाते थे, लेकिन इस फिल्म में 5 से 7 करोड़ रुपए की लागत लगी है और अभी और आगे लगनी तय मानी जा रही है। इससे ये तो साबित होता है कि ये फिल्म भी इंडस्ट्री की महंगी फिल्म जरूर है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जब इंडस्ट्री की सबसे महंगी फिल्म रिलीज होगी होली के मौके पर सिनेमा घरों में तो दर्शकों को कितनी पसंद आएगी। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट।